नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड GK के इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये टेस्ट पेपर नंबर 10 है। इससे पहले मैं फर्स्ट ग्रेड के 9 टेस्ट पेपर्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो ये बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। और ये फर्स्ट ग्रेड 2014 के GK में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? और ये फर्स्ट ग्रेड GK 2011 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर। और ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं भारत के संविधान के लक्षण और दूसरा है किस देश से गृहीत किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले है मूल अधिकार। मूल अधिकार किस कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर नाम लिख रखे हैं। और बी में पूछा गया है शासन की संसदीय प्रणाली, सी में आपात उपवन, डी में राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये सब इसमें पूछे गए हैं तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो ए है ए का हो जाएगा 2। मूल अधिकार जो है वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय प्रणाली है ये ली गई है UK से। तीसरा है आपात उपवन और ये लिया गया है जर्मन रिक से। और चौथा है राज्य नीति के निदेशक तत्व, तो ये जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। तीसरा है यह बहुदलीय निकाय था। चौथा है इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये कूट दिए गए, सही उत्तर आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो पहला कथन है और जो चौथा कथन है वो सही है। पहला हो गया ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और चौथा हो गया इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो ये दोनों राइट हैं, बाकी के रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि? ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन है ये संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करता है। तो लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है वो होगा पहला, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स का अर्थ पूछा गया है, यानी कि ये जो एक्स है यहाँ पर डेट है, तो वो डेट पूछी गई है आपसे कि कौन सी है जो वो राइट डेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 26 नवंबर 1949 1949। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को भारतीय संविधान के मत को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची वन दी गई है और यहाँ सूची टू दी गई है, तो इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए में आएगा थ्री, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा है मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तीसरा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। चौथा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको कथन दे रखे हैं चार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो पहला कथन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये कथन दे रखे हैं, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, भारत के संविधान में कुछ 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा है कथन, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल थ्री, यानी कि जो थ्री नंबर का है केवल यही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी विषयक उपबंध है, तो ये है 10वीं अनुसूची में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, पहली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सूची वन में कृत्यकारी दी गई है, सूची टू में शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। तो ए नंबर ए पे है भारत का राष्ट्रपति, बी पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी पे है संसद सदस्य और डी में है संघ के मंत्री, तो आपको ये बताना है कौन किसको शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में ए का हो जाएगा फोर, भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है ये संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखता है। बी में आ जाएगा थ्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसमें आ जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संसद सदस्य। सी में आ जाएगा दो, कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन, और संघ के मंत्री, संघ के मंत्री में आ जाएगा सूचना की गोपनीयता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं अपलोड करूंगी टेस्ट पेपर नंबर 11। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।